अगर आप भी इंस्टाग्राम में स्टोरी लगाते हो और उसमें अपने फ्रेंड को मेंशन करते हो, या आपका फ्रेंड आपको उनकी स्टोरी में मेंशन करता है, या आप अपने इंस्टाग्राम में आपको खुद कोई मेंशन करते हो अपनी आईडी को, तो ना ही आपको अपने ऐड टू योर स्टोरी का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, ना ही आपका दोस्त को मिलता है, और ना ही उसमें कोई नोटिफिकेशन आता है। इस प्रॉब्लम को आप 1 मिनट में सॉल्व कर सकते हो। हे फ्रेंड, आपका स्वागत है अपने चैनल टेक लाइक्यू में। तो गाइज, अगर आप भी इंस्टाग्राम यूज़ करते हो और उसमें स्टोरी लगाते हो, तो आपको भी ये प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिल रही होंगी। अगर आप स्टोरी में अपने फ्रेंड को मेंशन करते हो, तो क्या आपका फ्रेंड आपको मेंशन करता है, तो ना ही आपके पास कोई नोटिफिकेशन आता है, ना ही आपके फ्रेंड को ऐड टू योर स्टोरी का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, ना ही जाता है, ना ही आता है। तो इसे सॉल्व कर सकते हो आप बहुत ही ईजी ट्रिक में, और मैं आपको आज ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जो कि काफ़ी यूट्यूबर ने आपको बताई होंगी। क्लियर डाटा कर लो, यहाँ से उनको फीडबैक दे लो, आपको ये कोई भी प्रॉब्लम को ये नहीं होंगी, आपको बस 1 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाएंगी प्रॉब्लम आपकी, ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं होगा। तो इस ट्रिक को आप यूज़ कर सकते हो बड़े आसानी से। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ मेरे इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, और आपके इसमें भी यही आ रही है क्या। तो देखो, सबसे पहले मैं आ जाता हूँ अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे। देखो, जैसा कि अभी मुझे मेंशन करा है मेरे फ्रेंड ने, तो मैं चल जाता हूँ मैसेंजर के ऑप्शन पे, और यहाँ आ जाता हूँ यू पे। देखो, जैसे ही मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, देखो यहाँ आपको देखने के लिए मिलता है, यहाँ मेरे फ्रेंड ने भेजा है मुझे। देखो, यहाँ देखने के लिए मिलता है ऐड टू योर स्टोरी। अगर आपको ये ऑप्शन नहीं दिखता होगा ऐड टू योर स्टोरी का, तो आपको ये ऑप्शन कैसे लगाना है और कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको आ जाना है होम पेज पे। होम पेज पे आने के बाद आपके लोगो पे क्लिक कर देना। जैसे लोगो पे क्लिक करते हो, अभी आपके सामने ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ 3 डॉट दिख रहा है, 3 डॉट पे क्लिक कर देना। उसके बाद आपको यहाँ काफ़ी सारे ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं। आपको क्या करना होगा, सेटिंग्स में क्लिक करना है। जैसे सेटिंग्स पर क्लिक कर देते हो आप, उसके सामने आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन शो होने लगते हैं। तो उसके बाद देखो गाइज, आपको यहाँ में बहुत सारे ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे। आपको क्या करना है, आपको अकाउंट पर क्लिक करना है। जैसे अकाउंट पर क्लिक करते हो, अभी आपके सामने इतने सारे ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं। गाइज देखो, आपको क्या करना होगा, ब्रोज सेटिंग्स दिख रही है, आपको ब्रोज सेटिंग्स पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने ऐसा ऑप्शन आएगा। अदरवाइज देखो, आपके इसमें यहाँ क्लियर का ऑप्शन होगा। देखो यहाँ क्या करना है, आपको यहाँ ब्राउजिंग डाटा है, इसको आपको क्लियर करना है। क्लियर पे क्लिक करना है, क्लियर ब्राउजिंग डाटा को आपको क्लियर कर देना है पहले। उसके बाद आपके सामने देखो यहाँ देखने के लिए मिलता है ऑटो फिल, इसको आपको क्या करना है, ऑटो फिल कॉन्टैक्ट फॉर्म, इसको आपको ऑन रख देना है। और इसके बाद आपको बैक आ जाना है। गाइस, आपको सिंपली इस क्या करना है, बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद आपको क्या करना है, प्राइवेसी पे क्लिक कर देना है। उसके बाद देखो, आपको यहाँ देखने के लिए मिलता है मेंशन का ऑप्शन। देखो, आपको जा जाना है प्राइवेसी पे, पर सेलेक्ट करना है, और यह मेंशन का ऑप्शन होगा आपको, तो मेंशन पे क्लिक कर देना है। आपके इसमें अगर ये नो वन पे क्लिक होगा या पीपल यू फॉलो पे होगा, तो आपको क्या करना होगा, एवरी वन पे क्लिक करना है। जैसे मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, एवरी वन पे क्लिक कर देना है आपको भी। उसके बाद सेलाइड आपको ऊपर जाना है, और उसके बाद स्टोरी का ऑप्शन होगा, आपको स्टोरी पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने यहाँ इतने सारे ऑप्शन आ रहे हैं। अगर आपके इसमें अलाउ मैसेज रिप्लाईज पे आपको ऑफ होगा, तो आपको क्या करना होगा, एवरी वन पे क्लिक करना है। पीपल यू फॉलो पे होगा तो भी आपको एवरी वन पे ही क्लिक करना है। उसके बाद सेलेक्ट करना है, और उसके नीचे लिखा होगा शेयरिंग, अलाउ शेयरिंग टू यूअर स्टोरी, इसको आपको ऑन कर देना है। अगर ये आपके इसमें ऑन ऑन है, तो आपको एक बार ऑफ करके ऑन डबल से कर लेना है, ताकि ये डबल से सेटिंग अप्लाई हो जाए। उसके बाद क्या करना है, अलाउ शेयरिंग टू मैसेज, इसको भी आपको ऑन कर लेना है। और इसके बाद आपको ये अगर शेयर योर स्टोरी फेसबुक पे आपको शेयर करनी है, तो आप कर सकते हो, अदरवाइज ये नहीं भी कर सकते हो। तो आपको इतने सारे ऑप्शन देखना है, क्लियर है, यहाँ से देख लो। इसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, आपको बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद आपको डबल से बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद आपको सिंपली से आपको क्या करना है, एक बार डबल से 3 डॉट्स पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको क्या करने के बाद यहाँ सेटिंग्स का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, सेटिंग्स पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको एक बार अकाउंट्स पर क्लिक कर देना है। उसके बाद नीचे देखने के लिए मिलता है आपको स्विच अकाउंट टाइप, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करते हो आप, आपको क्या करना होगा, देखो यहाँ देखने के लिए मिलता है प्रोफेशनल अकाउंट, इस पर क्लिक कर देना। उसके बाद इसको भी कर देना क्लिक, मिलता है आपको स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट, तो इस पर क्लिक करना है आपको। अगर आपके इसमें पहले से ही अकाउंट बना है, तो आपको एक बार क्या करना है, इसे स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट पर क्लिक कर देना। उसके बाद आपको डबल से इसको एक बार करना जो बोल रहा हूँ, याद से रखना है। उसके बाद कंटिन्यू 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 पर क्लिक करके आपको सिंपली से यहाँ आपको ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। अब आपको क्या करना होगा, यहाँ बहुत सारे ऑप्शन होंगे, तो आपको यहाँ बस डिजिटल क्रिएटर पे ही क्लिक करना है। आपको देखो, प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो 10 से 15 मिनट आपको डिजिटल क्रिएटर पे क्लिक करके रखना है। उसके बाद डन पे क्लिक कर देना है। जस्ट ये आपको 30 सेकंड वेट करना है, ताकि ये आगे प्रोसेस हो जाए। अभी ध्यान रखें गाइज, अगर आपको इसमें बिजनेस का ऑप्शन आ रहा है, तो आपको क्या करना है, क्रिएटर पे क्लिक करना है, बिजनेस पे नहीं क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ से क्लोज कर देना है। अब आपको क्या करना है, आपको सिंपली से आ जाना है आपको, और अपनी स्टोरी लगा देनी है। अब अगर आपको ऑप्शन आ जाता है, तो आपको यहाँ सक्सेसफुली वर्किंग ट्रिक है गाइज। ये ट्रिक से मैंने अभी मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स से जिनको प्रॉब्लम आ रही थी, इससे सॉल्व हो चुकी थी। अदरवाइज अगर ये बहुत कम चार्ज से 100 में से 2% ऐसा हो सकता है कि अगर ये ट्रिक वर्क नहीं कर गई अब किसमें, तो आपको सिंपली क्या करना है, 3 डॉट पे आ जाना है, सेटिंग्स में क्लिक करना है। और आपको क्या करना हो, यहाँ देखो लॉग आउट ये दिख रहा है, आपको यहाँ से लॉग आउट कर देना है। लॉग आउट क्लिक करने के बाद आपको सिंपली से एक बार क्लिक करना है इसको इंस्टाग्राम पे, और आपको आ जाना है
और आपको यहाँ स्टोरेज का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। आपको क्या करना है, क्लियर कैश कर देना है और एक बार क्लियर डाटा कर देना है। ऐसे क्लियर डाटा करना, ओके पे क्लिक कर देना। उसके बाद आपको एक बार डबल से नहीं 1 से 2 घंटे वेट करना है। उसके बाद आपको डबल से आईडी आपको अपनी लॉगिन कर लेनी है और आपके इसमें प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। मैं इसकी 100% गारंटी देता हूँ। इसको अगर आपको प्रूफ चाहिए तो मैं आपको बोल सकता हूँ मेरे काफ़ी फ्रेंड्स में ये वर्क कर गई है, जब आपको मैं ये वीडियो बना के दे रहा हूँ। तो गाइज ऐसी ट्रिक आपको देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।